ओके सो वेलकम बैक एवरीवन। स्क्रीन क्लियरली दिख रही है कि थोड़ी थोड़ी ब्लर दिख रही है? आई थिंक ब्लर है। ओके नाउ सी, सो अब आपका क्वेश्चन ये है, इफ डी, आपको एक क्वेश्चन दी, 2007 का क्वेश्चन है, कैपिटल डी वन, देयर इज वन डिटरमिनेंट इच इज 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 वाई इज नॉट इक्वल टू 0 देन डी इज। ओके अब आपके अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, डिविजिबल बाई एक्स बट नॉट वाई, डिविजिबल बाई वाई बट नॉट एक्स, डिविजिबल बाई नाइदर एक्स नॉर वाई, डिविजिबल बाई बोथ एक्स एंड वाई, मतलब सारे पॉसिबल ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है चलो, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, समझो डी आपको दिया गया एक डिटर्मिनेंट, एग्जैक्टली लिखने में गलती है, दिस इज योर डिटर्मिनेंट नॉट मैट्रिक्स, तो एंड इट इज डिविजिबल बाई एक्स वाई, तो वो डेफिनेटली हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलो कैसे सिंप्लीफाई करें, फर्स्ट तो सबसे पहले तो हमें इसको सिर्फ एक्स और वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? आई थिंक ये इजी क्वेश्चन होगा, होना चाहिए। तो अगर सिर्फ एक्स और वाई में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पहले माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, मतलब सेम प्रोसीजर जो लास्ट क्लास में, लास्ट एग्जाम्पल में किया, दैट इज सी टू माइनस सी वन एंड सी थ्री माइनस सी वन, इजंट इट? सी टू माइनस सी वन एंड सी थ्री माइनस सी वन करते हैं, और उससे डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी, ये 1 1 1 एज इट इज, 1 -1 0, 1 + x - 1 x, 1 -1 0, 1 -1 0, 1 -1 0, 1 + y - 1 वो हो जाएगा आपका y। ठीक है, तो अब यहाँ 1 से आप एक्सपांड करो, ये तो आसान ही है ना, इसमें क्यों डाउट हुआ? तो ये आपका हो जाएगा x into y - 0, सो इट इज डिविजिबल बाई बोथ एक्स एंड वाई। ओके बस सारा सरूल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उससे पहले ही आ गया ना आपका आंसर, सो इज इट क्लियर? ओके ये एक आसान क्वेश्चन था। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन, आई थिंक अभी फिलहाल मेरी ब्लैक मार्कर काम नहीं कर रही, सम इश्यू इन दैट, नो इश्यू। चलो सो अब कौन सा क्वेश्चन है? सो ये अल्फा बीटा वाला हो गया सौमिक। हाँ एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके अब आपके दो क्वेश्चन बचे हैं सौमिक, राइट? चलो तो एक क्वेश्चन है आपका, पता नहीं 2013 समथिंग, आपको उसमें ए दिया गया एक 3 by 3 मैट्रिक्स, ए इज 1 0 0 2 1 0 3 2 1, इफ यू वन एंड यू टू आर कॉलम मैट्राइसिस, वो आपके कॉलम मैट्राइसिस हैं, तो डेफिनेटली वो कॉलम मैट्राइसिस मतलब यहाँ पे 3 by 1 ही होंगे। क्यों 3 by 1 होंगे? क्योंकि ए इंटू यू आपको दिया गया है, ए इंटू यू वन इज 1 0 0, ए इंटू यू टू इज 0 1 0, देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ यू वन प्लस यू टू, मतलब आपको डेफिनेटली यू वन और यू टू पहले फाइंड करना है, तभी आप यू वन प्लस यू टू फाइंड कर सकते हैं, इजंट इट? क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ पहले, राइट? व्हाट दे वांट टू आस्क, क्या वो क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओके आप समझना यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो सी हियर केयरफुली, डेफिनेटली यू वन यू टू आपके कॉलम वेक्टर्स होंगे, क्योंकि वो 3 by 1 से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो दिस इज 3 by 3 into 3 by 1, तो फाइनल आंसर आपको 3 by 1 मिलेगा। ठीक है, तो कुछ भी हम एज्यूम करते हैं, पहले यू वन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, सो लेट अस एज्यूम दैट यू वन इज योर एनी कॉलम वेक्टर, सपोज उसमें अननोन से एक्स वाई जेड या ए बी सी या यू वन यू टू यू थ्री कुछ भी ले सकते हैं। ओके सो इफ नहीं, ए यू वन प्लस ए यू टू नहीं पूछा है ना आपको, यू वन प्लस यू टू पूछा है ना,
हाँ वो भी कर सकते हो, ए यू वन प्लस ए यू टू, तो ए कॉमन यू वन प्लस यू टू, फिर आपको, हाँ वो भी कर सकते हो। तो बट ये वो आपको क्या मिलेगा, वहां से क्या करोगे, ए इंटू यू वन प्लस यू टू, हाँ वो कर सकते हो, ठीक है हाँ, तो ये कर सकते हैं, यस चलो। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि ए यू वन प्लस ए यू टू, सिंस दोनों में ए कॉमन है, तो ए इंटू यू वन प्लस यू टू वो हो जाएगा, यू वन यू टू आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब आपको यू वन प्लस यू टू की वैल्यू फाइंड करनी है, बट अब आगे क्या करोगे। सर हाँ अभी आपको यहाँ पे इन्वर्स निकालना पड़ जाएगा ना सर। वही तो मैं बोल रहा हूँ, बट इन्वर्स निकालने से भी कैसे होगा, मतलब ये अगर इक्वल टू आई है तो हम इधर इन्वर्स कर सकते हैं, यहाँ हमें कुछ वैल्यू ही पता नहीं है, तो समथिंग इन टू ए इन्वर्स कैसे करेंगे, तो वो और डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए ये वैल्यू हम नहीं कर पाएंगे सॉमिक इस तरीके से, ठीक है। तो नॉर्मल वे में जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, ए इंटू यू वन इज, तो वहां से यू वन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, यू वन है हमारा एक्स वाई जेड, चलो ए आवर मैट्रिक्स ए इज 1 2 3 0 1 2, वर्षा आपका माइक ऑन है, ओके चल। देन ये मैंने बोला 1 2 3 0 1 2, नाउ 0 0 1, दिस इज माई ए, यू वन इज 1 0 0, ओके चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए इंटू, सॉरी ए इंटू यू वन का आंसर 1 0 0 है, माई मिस्टेक माई मिस्टेक। चलो तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, तो पहले आपको मिलेगा एक्स प्लस 0 वाई प्लस 0 जेड, फिर आपको मिलेगा 2x प्लस 1y प्लस 0 जेड, और फाइनली आपको मिलेगा 3x प्लस 2y प्लस जेड, और ये आपको आंसर दिया गया इट इज इक्वल टू 1 0 0। तो आप इसको कंपेयर करोगे तो x आपको मिल जाएगा 1, ओके सो x इज इक्वल टू 1, फिर x इक्वल टू 1 नीचे रखोगे तो y आपको आएगा -2, इजंट इट। अब x यहाँ पे 1 रखा, y यहाँ पे -2 रखा, 3 2 -4, 3 -4 -1, वो तो z आपको मिलेगा +1, तो यहाँ से मुझे u1 मिल गया, 1 -2 1। इसी तरीके से अब आपको u2 निकालना है, तो u2 के लिए अब आप क्या a इंटू u2 करोगे तो डेफिनेटली ऐसे ही इक्वेशन मिलेंगे, राइट, x 2x प्लस y 3x प्लस 2y प्लस z, वो आपको अब मिलेगा आंसर 0 1 0, तो वहां पे x आपको मिल जाएगा 0, तो ये आपका u1 है, उसके लिए u2 के लिए सपोज आप abc एज्यूम कर रहे हो, तो a इधर आएगा, a आपका हो जाएगा 0, ओके फिर 2a प्लस b इक्वल टू 1, तो 2a 0 है तो b इक्वल टू 1, देन 3a वो ऑलरेडी आपका 0 हो जाएगा, प्लस 2b, 2b मतलब प्लस 2 प्लस सी इक्वल टू 0, वो उधर जाएगा तो -2, तो सी आपका हो जाएगा -2। अब आपको यू वन प्लस यू टू फाइंड करना है, तो उनको ऐड कर दो, 1 प्लस 0, राइट, 1 प्लस 0 1, तो यू वन प्लस यू टू का आपको आंसर मिलेगा, पहला एलिमेंट आपका आएगा 1 प्लस 0 1, दूसरा एलिमेंट -2 प्लस 1 -1, तीसरा एलिमेंट 1 -2 -1, तो 1 -1 -1, इज इट क्लियर, ओके। और लेट मी चेक योर आंसर एज वेल, हाँ तो ये आंसर है 1 -1 -1, मतलब ऑप्शन में है, ओके इज इट क्लियर नाउ, शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका फाइनल क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इजी है बट हो जाएंगे 2007, बस चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके कंसेप्ट अगर अच्छे हैं, कंसेप्ट सही है, फॉर्मूला बुक वो सब आपने रेगुलरली बनाया है, सब आपका फिंगर टिप पे है, तो डेफिनेटली सब अच्छा होगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके जी मेंस में आप सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट अ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस, आपको बस कॉन्फिडेंस चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया, लेट ओमेगा बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट 2 ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू जेड, वेर जेड इज इक्वल टू -√3, जेड इज इक्वल टू √-3, सॉरी नॉट -√3, √-3। नाउ इफ डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 -ωs²-1, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, 1
ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 7 इक्वल टू 3k, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के? ओके, के की वैल्यू क्या होगी? इफ ओमेगा बी इज अवर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट 2 ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू जेड, वेयर जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 एंड 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 7 इक्वल टू 3k, देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ के? चलो कैसे करेंगे बोलो. तो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? यस. चलो सी हियर. तो सबसे पहले तो आपको ये बोला गया कि 2 ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू जेड. जेड है आपका माइनस रूट 3, तो वो आपका 3 रूट 3 आई हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर रूट आई होता है. तो उसे मैं रूट 3 आई लिख सकता हूँ या आई रूट 3 लिख सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो उसके लिए. ओके. और वेट 1 मिनट, लेट मी सी द ऑप्शंस. और ऑप्शंस में आपको दिया गया है 1 माइनस z z माइनस 1. ओके, ये सारे आपके ऑप्शंस हैं, 1 z या 1 माइनस z माइनस z, ऐसा कुछ समथिंग है. चलो 1 z माइनस 1 माइनस z, ये चार आपके ऑप्शंस हैं. चलो अब हम कैसे कर सकते हैं, तो समझो. सबसे पहले तो हमने इसको इसमें लिख दिया. आप विष्णु बोल रहे हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ओमेगा, वो आप कैसे बोल सकते हो? विष्णु यहाँ पे वो ओमेगा नहीं है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है. राइट, दिस इज नॉर्मल. अच्छा, ये भी वही है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है. 2 ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू रूट 3 आई. ओके, तो यस, सिंप्लीफाई करके पता चलेगा. राइट, हाँ. सो हियर 2 ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3 आई. सो ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3 आई बाई 2, या माइनस 1 माइनस रूट 3 आई बाई 2. तो अब हम पता चले ये वही है. राइट, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको पता है ये कौन से थे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. राइट, जो हमने इधर रखे थे, 1 आपका इधर है, ओमेगा आपका इधर आएगा, दैट इज एक्स माइनस हाफ वाई रूट 3 बाई 2, एक्स माइनस हाफ वाई माइनस रूट 3 बाई 2. ओके, सो दिस इज योर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. सो दिस इज योर ओमेगा. ओके, हाँ वही है वही है. ओके, अबिन आफ्टर सिंप्लीफाइंग, मैंने तब सिंप्लीफाई नहीं किया था, उससे पहले देख रहा था. ओके, तो अब अगर वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा टू द पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं? राइट, और अगर वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो यहाँ पे भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. राइट, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ला सकते हैं. यस. ओके, चलो यस, वेरी गुड. सो सब आंसर दे रहे हैं ओमेगा. तो ओमेगा टू द पावर 7 आपका हो जाएगा ओमेगा. कैसे? राइट, सिंपल, इट इज ओमेगा टू द पावर 6 इनटू ओमेगा. ओमेगा टू द पावर 6 इज ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर. ओमेगा क्यूब आपका 1 होगा, 1 होल स्क्वायर 1, सो इट इज ओमेगा. राइट, बिकॉज ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1. तो अब यहाँ पे अगर यू नो, यहाँ पे तो अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा. फिर ऊपर जो आता है वो देखते हैं. ठीक है, सो अब बस हम तीनों कॉलम्स को ऐड कर देंगे. 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा. तो इन तीनों को मैं ऐड करता हूँ तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस 1 0, और ये आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. यहाँ पे आपका बचेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा. तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी आपका हो जाएगा 0. तो अब 3 से मैं डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ. हाँ, यस 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 यस. हाँ, और एक और चीज, जैसे हमें पता है ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका 0 होता है. राइट, तो जैसे हर्षा ने बोला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ पे आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 वो उस तरफ चला जाएगा. तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 तो वो आपका ओमेगा हो जाएगा, इजंट इट? माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, तो इस तरफ आपका बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा. तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 की जगह मैं ओमेगा लिख सकता हूँ. तो 3 से डायरेक्टली मैं इसको एक्सपांड कर सकता हूँ. तो ये आपका हो जाएगा 3 टाइम्स 2 बाई 2 डिटरमिनेंट, जिसको अगर मैं सॉल्व करूंगा. राइट, अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो 3 टाइम्स 2 बाई 2 डिटरमिनेंट ओमेगा इनटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर
माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टू द पावर फोर. अब ओमेगा टू द पावर फोर को आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, ओमेगा माइनस सॉरी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा राइट. अब अगेन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा है, चलो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के लिए कुछ कर सकते हो राइट, इज इक्वल टू थ्री टाइम्स. या ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो राइट, क्योंकि ओमेगा है आपका माइनस हाफ प्लस रूट थ्री आई, रूट थ्री बाई टू आई, और ओमेगा स्क्वायर है आपका माइनस हाफ माइनस रूट थ्री बाई टू आई, तो माइनस रूट थ्री बाई टू आई माइनस रूट थ्री बाई टू आई वो कैंसिल हो जाएगा इजंट इट, कि है ना, और माइनस हाफ वेट सो नहीं वो माइनस रूट थ्री बाई टू आई प्लस रूट थ्री बाई टू आई वो प्लस रूट थ्री आई हो जाएगा एंड माइनस हाफ कैंसिल हो जाएगा ओके, तो रूट थ्री बाई टू आई बचेगा और जेड आपको दिया गया है रूट थ्री आई ओके. हाँ जेड के टर्म में हमें कन्वर्ट करना है और वही हम करेंगे ठीक है. तो अच्छा तो हर्षा और ओके वर्षा बोल रही है ओमेगा स्क्वायर को हम माइनस वन माइनस ओमेगा लिखेंगे फिर, तो ये माइनस वन माइनस टू ओमेगा आया अच्छा, फिर टू ओमेगा प्लस वन आपका जेड आ जाएगा. हाँ तो वो भी उसी तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, फिर जेड आपको टू ओमेगा प्लस वन के टर्म में दिया गया है ठीक है, जेड इज टू ओमेगा प्लस वन राइट, और मैं वहां से रूट थ्री आई के फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा था, तो बोथ आर सेम. सो ओमेगा स्क्वायर अगर माइनस वन माइनस ओमेगा रख रहा हूँ तो ये आपका हो जाएगा माइनस वन माइनस टू ओमेगा, माइनस को कॉमन निकाल दो तो माइनस थ्री वन प्लस टू ओमेगा, वन प्लस टू ओमेगा इज नथिंग बट योर जेड, सो इट इज माइनस थ्री जेड, और आपको ये थ्री के दिया गया है राइट, तो के आपका क्या हो गया माइनस जेड, इज इट क्लियर राइट. तो आई थिंक यहाँ पे सौमिक के सारे डाउट्स खत्म हो गए ओके. तो मैं ये पूछ रहा था हाँ सौमिक आपके डाउट खत्म हो गए ना ठीक है, और अब हर्षा की उसके बाद विष्णु ओके फिर मनोज और वर्षा ओके. चलो तो हर्षा ने एक हर्षा अब हाँ आपके आगे के भी हैं डाउट्स देखूंगा मैं ओके. तो वो साइन वर्स और वो सब है इधर एफ फ्रॉम आर टू आर और यहाँ से ओके. सो पहला क्वेश्चन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन ओके, तो वो वाला देखते हैं पहले राइट. फिर विष्णु के देखेंगे ओके. तो 2001 या 2000 समथिंग का ये क्वेश्चन है राइट right. Let us see this. Right, तो अभी कैसा चल रहा है सब स्टूडेंट्स, मीनवाइल जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बताओ राइट, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, पढ़ाई और वो सब से अच्छे से चल रहा है ठीक है, मैथ्स में तो आई थिंक अच्छे से जा रहे हैं अब राइट. पहले मैथ्स के बारे में ही बताओ फिर बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में, सारी एग्जाम के पहले प्रीवियस पेपर देख लेते हैं, एग्जाम के बाद वो देख लेते हैं, थोड़ा ये एडवांस का डाउट सॉल्विंग और वो करना है, और आपके डाउट्स चल रहे हैं डाउट्स के लिए टाइम लग रहा है और वो लगेगा, मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है वो, आई थिंक ये जून मंथ थोड़ा हैवी जाएगा ही
जून जुलाई, क्योंकि जब तक आपके सीनियर्स का केसेट और वो खत्म नहीं हो रहा, केसेट और बीटेक, तो मैं बीटेक बोल दिया गलती से, केसेट और जेई मेन्स की एग्जाम, तो केसेट के तो उनके सारे डाउट्स खत्म कर दिए थे कल मैंने, ठीक है, अब उनके जेई मेन्स के सारे डाउट्स बचे हैं, तो वो चल रहे हैं जेई मेन्स और कुछ कुछ जेई एडवांस को वो सब्जेक्टिव करते हैं, ठीक है, तो वो उनका ये थोड़ा जून एंड जुलाई एंड तक वो, हाँ जून एंड तक रहेगा, ठीक है, उसके बाद तो केसेट का कोई डाउट पूछेगा नहीं, क्योंकि इतने वो पढ़ने वाले नहीं है, बाकी के जो पढ़ रहे हैं उन्होंने ऑलमोस्ट सारे क्लियर कर दिए, तो जून मंथ तक वो थोड़ा रहेगा। ओके हाँ विष्णु वो बढ़ा दिया है, क्यों क्या हुआ अचानक? ठीक है, और बाकी सारी चीजें कैसे चल रही है? तो ये है, इसलिए थोड़ा डाउट्स में टाइम लगेगा, बट डोंट वरी, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे जून के बाद, तो वो लोग भी निकल जाएंगे, ठीक है, फिर आप लोग रहोगे और तब तक थोड़ा गेट का बैच भी फाइनल हो जाएगा, तो उसका भी कोई वो नहीं है, ठीक है। सो तब तक मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तब तक आप बताओ आपका कैसा चला है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू अल्फा माइनस वन, एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस जेड इक्वल टू अल्फा माइनस वन, एक्स प्लस वाई प्लस अल्फा जेड इक्वल टू अल्फा माइनस वन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। आपको दिया गया है कि इसके पास इनफाइनाइट, मतलब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो अल्फा क्या होगा? अलग अलग आपके ऑप्शन दिए गए हैं, माइनस टू, नॉट माइनस टू, माइनस टू और वन, या वन, ये आपके पास चार ऑप्शन है, राइट, एंड 2000 कोई सिंगल डिजिट वाला क्वेश्चन है, तो वो देखेंगे कि क्या है, ठीक है। तो बताओ कैसे कर सकते हैं, सोचो इसके बारे में। ओके, अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ओके समझो यहाँ पे, वेट लेट मी ओपन दिस हियर। ओके हाँ ऑब्वियसली क्रैमर्स रूल से हम करेंगे, क्योंकि क्रैमर्स रूल के हमारे पास कंडीशन है। ओके स्कूल का क्लास कब शुरू होगा पता नहीं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जुलाई फर्स्ट वीक से शुरू हो जाए, पूरा प्लानिंग ऐसे ही था, बट अब रिसेंटली केस आए हैं तो अब अगेन वो क्वेश्चन मार्क हो गया है। रिवीजन के लिए टाइम वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। ओके रिवीजन के लिए और कुछ नया सॉल्व नहीं करना है, जो आपने पुराना सॉल्व किया उसी को रिवाइज करना है, ठीक है। रिवीजन के लिए कभी भी कुछ भी चीजें नहीं सॉल्व मत करो, राइट, रिवीजन के लिए ऑलरेडी जो आपने किया उसको रिवाइज करो, उसमें जो आपने स्टार मार्क के क्वेश्चन रखे थे वो करो। ओके हाँ चलो, तो अब इसको देखते हैं, तो लेट अस यूज क्रैमर्स रूल। चलो क्रैमर्स रूल हम यूज करें, तो आपको याद हो स्टूडेंट्स, डी था हमारे पास, डी एक्स था, डी वाई था, डी जेड था, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, डी डी एक्स डी वाई डी जेड क्या होना चाहिए फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, टेल मी। हमारा एक्स क्या था, डी एक्स बाई डी, कुछ तो बोलो। वाई क्या था, डी वाई बाई डी। जेड क्या था, डी जेड बाई डी, राइट। For infinite solution, yes, your all terminology should be 0, 0 by 0, 0 by 0, 0 by 0, मतलब ऐसे मैंने याद रखा था। Okay, तो सबसे पहले तो आपका D 0 होना चाहिए, तो what is your D? Alpha 1, 1, 1, alpha 1, 1, 1, alpha, it should be 0. DX के लिए इसी D में हम first column को, मतलब X वाली column को उससे replace करते हैं, तो alpha minus 1, alpha minus 1, alpha minus 1, 1, alpha 1, 1, 1, alpha equal to 0. चलो DY, तो डी वाई आपका इधर वाई वन अल्फा वन को हम चेंज कर देंगे, तो वो अल्फा माइनस वन अल्फा माइनस वन अल्फा माइनस वन, बाकी सारे एज इट इज, वन वन अल्फा अल्फा वन वन इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे आपका डी जेड, तो डी जेड के लिए हम जेड कॉलम में है आपका वन वन अल्फा, उसको रिप्लेस कर देंगे अल्फा माइनस वन अल्फा माइनस वन अल्फा माइनस वन से, तो ये आपका हो गया अल्फा वन 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 अल्फा वन इक्वल टू जीरो। ओके Let me adjust this. Wait. So that आपको दिक्कत ना हो। Okay. So can you able to see this screen? Right. अंधेरा लग रहा है। चल। अब क्या होगा बताओ, तो नाउ वी आर हैविंग d इक्वल टू 0, dx इक्वल टू 0, dy इक्वल टू 0, dz इक्वल टू 0। चलो सिंपलीफाई करो, d इक्वल टू 0 को कैसे सिंपलीफाई करेंगे, कुछ कंडीशन मिल सकती है, ठीक है,
डी इक्वल टू जीरो से हमें अल्फा की कुछ कंडीशन मिलेगी, डी एक्स इक्वल टू जीरो से कोई कंडीशन मिलेगी, डी वाई इक्वल टू जीरो से कोई कंडीशन मिलेगी, इजंट इट? चलो तो पहले d इक्वल टू जीरो से अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, या हमारे पास वन है हम उसका यूज करेंगे, राइट? किसी भी वन से हम पहले जीरो बना लेंगे, तो जीरो बना के फिर हम उसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो बोलो कैसे करें, यहाँ पे भी आप जीरो बना सकते हो, चलो करते हैं, ठीक है? ये वन से इसको भी जीरो बना देते हैं, इसको भी जीरो बना देते हैं, तो फिर यहाँ आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ इसको डायरेक्ट सबट्रैक्ट करो, वन माइनस वन जीरो, अल्फा माइनस वन वन माइनस अल्फा, ठीक है? चलो इसको जीरो करने के लिए अल्फा से मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा, तो अल्फा माइनस अल्फा ये हो जाएगा आपका जीरो, ये वन माइनस अल्फा हो जाएगा इधर आपका, ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका वन माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ओके? तो ये आपको यहाँ पे आपको मिलेगा वन माइनस अल्फा होल स्क्वायर, नहीं डायरेक्ट यहाँ से मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, सो वन माइनस अल्फा होल स्क्वायर माइनस वन माइनस अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है? अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, सो दिस इज वन माइनस अल्फा होल स्क्वायर, उसको एज इट इज रहने दो, वन माइनस अल्फा स्क्वायर, तो क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वन माइनस अल्फा वन प्लस अल्फा, फिर ये अल्फा माइनस वन है, माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो अगेन वो वन माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, तो वन माइनस अल्फा होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे आपका बच जाएगा वन प्लस वन प्लस अल्फा इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे अल्फा आपको मिलेगा आइदर वन और प्लस टू उधर जाएगा तो माइनस टू, तो वन और माइनस टू मिलेगा इन दिस केस डी में, ओके? चलो अब डी एक्स को जीरो करते हैं, तो डी एक्स को जीरो करने से अगेन आपको एक्सपांड करना है, तो अगेन हम सेम रूल अप्लाई करेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये अल्फा माइनस वन हो जाएगा, ये वन माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है? चलो और किसको जीरो कर सकते हैं, इसको भी जीरो कर सकते हैं, अल्फा माइनस वन से मल्टीप्लाई करके इधर माइनस करना पड़ेगा, तो अल्फा माइनस वन से अगर मल्टीप्लाई करके या जैसा करना कर ही लेते हैं, तो अल्फा माइनस वन से मल्टीप्लाई करके अगर इसको जीरो करूंगा, ये जीरो, ये भी जीरो, ये अल्फा माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा होगा, अब वो इसमें मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा अल्फा स्क्वायर, वेट वन मिनट, ओके, तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा होगा और वो फिर इधर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो माइनस अल्फा आपका प्लस अल्फा हो जाएगा, तो वो टू अल्फा हो जाएगा और वो माइनस अल्फा स्क्वायर होगा, दैट विल बी योर माइनस अल्फा स्क्वायर। चलो अब ये वन से हम एक्सपांड करते हैं, तो ये वन से जब आप एक्सपांड करोगे तो ये जीरो होगा और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, दैट इज अल्फा माइनस वन इन टू माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो, राइट? तो डेफिनेटली अब यहाँ माइनस कॉमन निकल जाएगा, तो एक तो अल्फा इक्वल टू वन आपको मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको क्या वैल्यू मिलेगी, अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा प्लस वन इक्वल टू जीरो, and that is your alpha minus 1 equal to 0, isn't it? Alpha square minus 2 alpha plus 1 equal to 0, तो यहाँ पे alpha 1 ही मिलेगा आपको, right? Alpha के 3 roots आपको 1 मिलेंगे, 1, 1, 1. चलो, अब इसके लिए देखते हैं, तो इसके लिए भी same rule apply करें, इसको alpha से multiply करके पहले इधर minus कर देते हैं, right? तो इधर alpha से multiply करके minus करो, ये 0, इसको alpha से multiply करके इधर minus किया, तो ये आपको, sir? हाँ, yes. सर dy और dz भी सेम आएगा सर, ये ओके, मतलब सेम 1 1 1 आ रहा है, मतलब तीनों आंसर 1 मिले dy dz में, हाँ सर, ओके, सो ओके, अब हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए d dx dy dz चारों के चारों जीरो होने चाहिए, चारों के चारों आपके जीरो हो रहे हैं वन भी, राइट? तो कॉमन आंसर शुड बी अल्फा इक्वल टू वन, ओके? क्वेश्चन इज फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन है, ओके, वेट, लेट मी सी दिस क्वेश्चन वंस अगेन, नहीं ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए है, मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए पूछा गया, तो आई थिंक आंसर वन आना चाहिए, राइट? क्योंकि वन के नहीं, लिए सर, आंसर वन नहीं है, क्या दिया है आंसर,
सर माइनस टू दिया है सर. माइनस टू आंसर फिर नो सॉल्यूशन के लिए होगा राइट, क्योंकि माइनस टू के लिए आपका ये जीरो होना चाहिए डी, और एटलीस्ट कोई एक जीरो नहीं होना चाहिए डी एक्स डी वाई डी जेड से. ठीक है सर. हाँ सर, अगर अल्फा वन हुआ तो तीनों के तीनों तीनों मतलब तीनों के इक्वेशन सेम हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा. हाँ अल्फा वन हुआ तो तीनों इक्वेशन सेम हो जाएंगे, एग्री. वो भी तो है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो 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 हो जाएगा. हाँ एबिन रुको, आपका पॉइंट भी सोचते हैं. ठीक है पहले इस यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकाल देते हैं. तो हाँ ये, हाँ ये एक क्वेश्चन मार्क वाला पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि अगर अल्फा वन लेंगे तो तीनों इक्वेशन तो सेम हो रहे हैं, बट अल्फा अगर माइनस टू ले रहे हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा. एग्री. कोई अलग बुक्स में देखा बाकी की बुक्स में क्या क्या दिया गया है? ये दिशा की बुक में ये आंसर दिया गया है राइट. तो तमोजित ये जो आप बोल रहे हैं नो सॉल्यूशन क्या है, कोई अलग बुक में दिया गया है? ओके हो सकता है. अरिहंत का भी प्रीवियस पेपर्स रहते हैं वो चैप्टर के बाद, तो उसमें नो सॉल्यूशन के लिए है सर. अच्छा अरिहंत में नो सॉल्यूशन के लिए है, और सेम नो सॉल्यूशन के लिए आपका आंसर दिया होगा माइनस टू राइट. और वर्षा बोल रही है कि हाँ ये न्यू मॉड्यूल में है आर्च्यूज में. ओके वर्षा, उसमें क्या आंसर दिया गया है? नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन है. ओके ओके तो माइनस टू. हाँ ओके, तो अरिहंत में भी ये नो सॉल्यूशन के लिए है और उसके लिए भी नो सॉल्यूशन के लिए है अपने न्यू मॉड्यूल में आर्च्यूज में. ओके सर. हाँ सर, इस दिशा के सॉल्यूशन में मैंने देखा सर, उन्होंने सिर्फ एक ही कंडीशन लिया है, डेल्टा इक्वल टू जीरो. अच्छा तो वो वही एक ही कंडीशन फिर नो सॉल्यूशन के लिए ही होगा, तो आई थिंक कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक और वो सारी चीजें हैं. ठीक है तो डेफिनेटली ये हम उसी के लिए जाएंगे नो सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क है. ओके सो वी विल गो फॉर नो सॉल्यूशन ओवर हियर. तो नो सॉल्यूशन के लिए हमें ये कंडीशन मिलेगी. और एक चीज, हाँ हाँ वर्षा वेट, आई विल सी आफ्टर द क्लास. और एबिन ये क्वेश्चन के बारे में कुछ बोल रहे थे अलग मेथड. सर अकॉर्डिंग टू माय सॉल्यूशन इज अल्फा इज माइनस टू, ओके देन ओनली डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट इज इक्वल टू जीरो, बट डी इज नॉट जीरो फॉर माइनस टू. डी इज नॉट जीरो, डी तो जीरो है ना माइनस टू के लिए राइट. चलो एबिन आप बोल सकते हैं आप क्या मेथड बोल रहे थे पहले, गिव मी वन मिनट. सो ओके आप वो मैट्रिक्स वाली मेथड से बोल रहे थे राइट. Sir, can we do like this? It seems easier. Determinant and set adjoint should be zero. Okay, determinant and adjoint should be zero. We get okay. So, ये हमारा Cramer's rule है. दूसरी method जो है हमारे पास वो क्या है? For infinite solution, wait. एक तो आपका determinant A. Wait. एक आपका होता है जो आप determinant A find कर रहे हैं. That should be equal to zero. Okay. और I think adjoint A into B था ना, which is equal to zero. क्या आपने ये दोनों जीरो लिया? आप यही बोल रहे हो? Okay. Determinant A equal to zero and determinant of adjoint आपने जीरो लिया क्या? Evan, can you unmute yourself and tell me क्या condition यही है ना, determinant A equal to zero and adjoint A into B equal to zero, isn't it? For infinite solution and no solution के लिए this should not be equal to zero. Okay, yes, यही है ना. Okay, so for no solution this should be the condition. Okay, तो यहाँ से आप वही हुआ, determinant equal to zero ले रहे हो या d equal to zero ले रहे हो, तो यहाँ से मिल रहा है. Okay, हाँ alpha equal to minus two के लिए determinant zero होगा. Okay, वो तो हमने किया. So shall we go to next question now? Okay. तो अब हर्षा का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. सो द नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिसेस सर. हाँ यस. सो मतलब ये वाला क्वेश्चन नो सॉल्यूशन के लिए था. हाँ नो सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि दो बुक्स में हमें ये नो सॉल्यूशन के लिए मिला है
राइट. सो एंड डेफिनेटली इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये क्वेश्चन में खड़े हो रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन डेफिनेटली नो सॉल्यूशन के लिए. ओके, तो दिशा में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होगी डेफिनेटली. ओके, सो लेट अस गो टू न्यू क्वेश्चन नाउ. So the number of 3x3 matrices A, 3x3 matrices A, the number of 3x3 matrices A, whose entries are either 0 or 1, जिसके entries 0 है or 1, whose entries are either 0 or 1, and for which the system A into x, y, z equal to 100 has exactly two distinct solutions. Is okay. So the number of 3x3 matrices whose entries are either 0 or 1, for which this has exactly two distinct solutions. जिसके लिए इसके पास टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है वो आपको फाइंड करना है. चलो समझो इसको. Now see, so number of 3x3 matrices A whose entries are either 0 or 1, sirf 0 or 1 hai, and it has exactly two distinct solution. Right? I think ye advance ka question lag raha hai. Advance ka hai na? Okay. Haan, x, y, z ke liye bas